गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उप सहसंयोजन यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं उनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, सिंपल सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। सिंपल लवण, द्विक लवण और संकुल लवण। सिंपल सॉल्ट्स एसिड और एल्कली दोनों मिलके लवण और जल देते हैं। ये जो लवण है ये सिंपल सॉल्ट इसलिए है क्योंकि जब इसको जल में घोला जाता है तो ये पूर्ण रूप से आयनाइज हो जाता है और अपने सभी आयन्स को देता है और उनके टेस्ट जो है सब आयन्स के टेस्ट आते हैं। द्विक लवण ये यौगिक केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं तथा विलय होने पर अपने अवयवी अणुओं या आयनों में पूर्णतः टूट जाते हैं। ये विलयन में अपने आयन्स के सभी टेस्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैश एलम ये एक द्विक लवण है और इसका जो फॉर्मूला है वो है K2SO4.Al2SO4 whole thrice 0.24 H2O। तो ये जो लवण है पोटैशियम आयन से, सल्फेट आयन से, एल्यूमिनियम आयन से बना हुआ है। जब ये लवण को हम इसका विलयन के अंदर हम देखते हैं तो ये लवण अपने सभी आयन्स के टेस्ट देता है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या संकुल यौगिक, संकुल यौगिक विलयनों में भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं परंतु इनमें मूल अभिकर्मक अपनी पहचान खो देता है तथा एक नया यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए पोटैशियम साइनाइड तथा फेरस साइनाइड दोनों मिलके ये K4FeCN6 ये एक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाता है, एक संकुल कंपाउंड बनाता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स जो संकुल बनाता है पोटैशियम फेरोसाइनाइड, जब इसका आयनाइज करेंगे तो ये पोटेशियम आयन देगा और फेरोसाइनाइड आयन्स देगा। ये अलग से जो है फेरस आयन नहीं देगा और साइनाइड आयन्स नहीं देगा, तो एक कॉम्प्लेक्स आयन फेरोसाइनाइड देगा और एक सिंपल आयन जो कैटायन है वो पोटेशियम आयन देगा। तो जब ये कंपाउंड बन जाता है तो अपने जो ओरिजिनल जो इसके जो प्रॉपर्टीज था वो खो देता है और यहाँ पे जो है ये कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट देगा या ये कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स जो है सॉल्ट जो है ये इनमें क्या अंतर होता है। तो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है ये यौगिक के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ये कई प्रकार के होते हैं। जब इन यौगिकों का जो स्फीयर है या जो कॉम्प्लेक्स है जो संकुल है वो किस तरह का होता है, यदि वो कैटायन है संकुल तो वो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जैसे कि एग्जांपल है CONH3 whole 6 Cl3। अब Cl ये कोबाल्ट प्लस 3 है तो ये प्लस जो है इस जो स्फीयर के ऊपर प्लस होगा, तो ये जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है कैटायन है इसलिए ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर या जो कॉम्प्लेक्स जो है वो एनायन होगा तो ये क्या होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जो संकुल के ऊपर ना तो वो कैटायन चार्ज है और ना ही वो एनायन चार्ज है,
मीन्स जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है ना तो कैटायन है ना एनायन है, तो उसको हम उदासीन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लीगेंड्स पाए जाते हैं वो लीगेंड जो है एक ही प्रकार के होते हैं। जैसे एग्जांपल है ये K4FeCN6, यहाँ पे जो लीगेंड है वो साइनाइड है और ये सिर्फ साइनाइड ही लीगेंड इस कॉम्प्लेक्स के अंदर है। हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, इस कॉम्प्लेक्स में या इस संकुल में जो लीगेंड्स है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लीगेंड है ये एमीन है और क्लोरीन है, क्लोराइड है, तो ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ लीगेंड इस कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है, हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है। मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, जिस संकुल में सिर्फ एक ही धातु आयन पाया जाता है या सिंगल ट्रांजिशन मेटल आयन पाया जाता है, जैसे K4FeCN6, यहाँ पे सिर्फ आयरन जो है ये जो है मेटल कॉम्प्लेक्स है। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्प्लेक्स के अंदर एक से अधिक जो है मेटल आयन होता है, जैसे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है यहाँ पे दो जो है ये मेटल आयन है, इसलिए ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। सबसे पहले जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके जो स्ट्रक्चर है, इसके जो ज्योमेट्री है, इसको सबसे पहले वॉर्नर ने समझाने की कोशिश की थी और ये समझाया था, और जो वॉर्नर का जो नाम था वो पूरा नाम अल्फ्रेड वॉर्नर, इन्होंने 1898 में इस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझाने के लिए कुछ उसने थ्योरीज दी थी, और ये थ्योरीज जो है ये पोस्टुलेट्स के रूप में सामने आए, और इसको हम कहते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ वॉर्नर थ्योरी। तो वॉर्नर थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स है वो है कि जो धातु आयन है, जो केंद्रीय धातु आयन है, इसके दो प्रकार की संयोजकताएं होती है। एक तो है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी है द्वितीयक संयोजकता, मीन्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ईच मेटल आयन हैज़ टू टाइप या शोज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। द प्राइमरी वैलेंसी रिलेट्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द सेकेंडरी वैलेंसी रिलेट्स टू द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ द मेटल आयन। तो जो प्राथमिक जो संयोजकता है किसी भी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को बताता है, और जो द्वितीयक संयोजकता है वो धातु आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या को ये बताता है। प्राथमिक संयोजकता जो है ये धातु की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इनकी संतुष्टि से सामान्य अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। ये ऋण आयनों से संतुष्ट होते हैं तथा आयनीय या आयनाइज्ड होते हैं। द्वितीयक संयोजकता, प्रत्येक धातु की द्वितीयक संयोजकता की संख्या निश्चित होती है। तो फॉर एवरी मेटल द सेकेंडरी वैलेंसीज इज फिक्स्ड, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल एटम इज फिक्स्ड। इनकी संतुष्टि से यौगिकों के संकुल भाग का निर्माण होता है। ये ऋण आयनों तथा उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसीज है ये केंद्रीय परमाणु के चारों ओर अंतराल में निश्चित दिशाओं की ओर अभिलक्षित होते हैं, जिससे किसी भी कॉम्प्लेक्स का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ज्योमेट्री के बारे में हमें मालूम चलता है या उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में हमें मालूम चलता है। तो सेकेंडरी वैलेंसीज जो है
किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन की स्टीरियो केमिस्ट्री को बताता है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी जो है नॉन डायरेक्शनल है, इसमें इसके जो ज्योमेट्री नहीं बताता है। के जो पोस्टुलेट्स को हम इसको एक्सपेरिमेंट शो करते हैं या किसी एक एग्जांपल को देख एग्जांपल लेके इसको प्रूव करते हैं। जैसे कोबाल्ट का एक कंपाउंड ले लेते हैं, COCl3 और Ni, ये दोनों जो कंपाउंड मिलके कई प्रकार के ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और जो इसके अंदर जो कोबाल्ट की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो 6 है। तो इसके अंदर हम कंपाउंड लेते हैं पहले COCl3.6NH3। तो यहाँ पे कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी +3 है, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जो कि ये सेकेंडरी वैलेंसी है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, तो जो प्राइमरी वैलेंसी जो है उसको डॉटेड लाइन से शो किया गया है और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से शो किया गया है। और ये जो कॉम्प्लेक्स जो बना है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जब हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालते हैं तो तीनों क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हो जाता है, एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, और ये 3 क्लोराइड आयन के कारण होता है। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं वो 4 बनता है। तो एक तो कॉम्प्लेक्स आयन होता है और 4 जो है क्लोरीन आयंस होता है। और ये जो फॉर्मूला जो है इसका CONH3 होल 6, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, और Cl3 जो है ये बाहर कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर। ये हमने ये देखा, ये सेकेंडरी वैलेंसी और ये प्राइमरी वैलेंसी। दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लेते COCl3.5NH3। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ये प्राइमरी वैलेंसी तो 3 ही है, परंतु सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 है। यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है वो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को ही ये सेटिस्फाई करता है। जो है आयंस जो फॉर्मेशन होगा 3 होगा, और जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालेंगे तो 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल के कारण जो है ये प्रेसिपिटेट होगा। ये जो है ये क्लोरीन जो है सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों को जो है सेटिस्फाई करता है। COCl3.4NH3 ये कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर सेम है, जो Cl जो है ये सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों को ही ये सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ पे जो है NH3 और Cl2 ये जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, और जो प्रेसिपिटेट होता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, तो ये जो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट होगा ये सिर्फ 1 क्लोराइड आयन के कारण हो। लास्ट जो कॉम्प्लेक्स बनता है 0.3NH3, तो इसमें भी जो है Cl जो है ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को ही ये सेटिस्फाई करेगा। ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे नहीं है, ये जो है ये सेकेंडरी वैलेंसीज है। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर टोटल जो है ये आयंस जो है ये कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे, जो है ये एक ही बनेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। और यहाँ पे जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालेंगे तो कोई भी क्लोरीन या क्लोराइड आयन का प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, कोई सिल्वर जो नाइट्रेट से रिएक्ट करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। लिमिटेशंस ऑफ वार्नर थ्योरी, तो ये जो वार्नर थ्योरी जो है मैग्नेटिक कलर या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो नहीं एक्सप्लेन करता है, और ये रीज़न नहीं बताता है कि क्यों ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। ये जो है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स या जो नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बारे में ये नहीं बताता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।